नमस्कार दोस्तों, करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन से मैं अजय आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम लेके आए हैं एक नया विचार, एक नई बात, एक बिल्कुल ही नया जो टेक्निक अपनाया गया है शासन द्वारा, सरकार द्वारा, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस का। उस परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास एक मैम का मैसेज आया था, एक महिला शिक्षिका का। उन्होंने अपनी जो समस्याएं थी बच्चों से संबंधित या और जो भी थी, उन्होंने लिखा कि अपनी क्लास के ठीक समय पर ऑनलाइन होती हूं, क्लास चल रही है और अब जब क्लास खत्म होने में 5 मिनट बाकी है, एक लड़की ज्वाइन करती है, मैं इतनी देरी का सबब पूछती हूँ, वह सबकी उपस्थिति में कहती है नेटवर्क प्रॉब्लम। 10 मिनट बाद व्हाट्सएप पर उसका मैसेज आता है, मैम सॉरी, मैं ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकूंगी। यह सुबह घर के काम का टाइम होता है तो मैं पूछती हूँ कि अगर तुम कॉलेज में होती इस वक्त तो भी घर का काम हो रहा होता ना? वह जवाब देती है कि हो रहा होता, लेकिन अब मैं घर में हूं और जब मैं घर में हूं तो घर का काम करने के बजाय 1 घंटा कोने में बैठी मोबाइल हाथ में लिए क्या कर रही हूं, यह बात कोई नहीं समझता। घर में होने का मतलब घर का काम करना है। एक लड़की मैसेज करती है कि मैम, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मुझे उसे देखना होता है, क्लास नहीं कर सकूंगी। मैं कहती हूं अभी तो सब घर में हैं, कोई भी देखभाल कर लेगा बच्चे की। वह कहती है नहीं मैम, घर में हूं तो मेरे सिवा कोई नहीं देखेगा उसे। एक नेत्रहीन लड़की फोन करके कहती है मैम, ब्रेल में किताबें नहीं हैं यहां घर में, और घर में मेरे लिए किताब पढ़ देने की फुर्सत नहीं है किसी के पास, क्या करूं। मैं रातों की खामोशी में उसके लिए कुछ रिकॉर्डिंग करती हूं, कुछ अन्य छात्राओं से कहती हूं, वे उसे रिकॉर्डिंग्स भेजती हैं। एक लड़की मैसेज करती है कि मैम, वह अब क्लास नहीं कर सकेगी, उनका मोबाइल रिचार्ज नहीं हो सकता, उनके पापा ने मना कर दिया है, पैसे नहीं है। मैं नंबर लेकर रिचार्ज कराती हूं तो एक के पिता फोन पर कहते हैं हमारी बेटी को बिगाड़ो मत, मेरी बात सुने बिना फोन काट देते। एक लड़की क्लास शुरू होने के 3-4 मिनट बाद ही चली जाती है। शाम को फोन पर फुसफुसाती आवाज में कहती है मैम, एक ही कमरे का घर है, क्लास के वक्त सब वहीं होते हैं, कोई भी किसी काम के लिए कह दे तो मना नहीं कर सकती और ध्यान भी बढ़ता है इसीलिए। एक लड़की मैसेज करती है मैम, मैं इतने बजे वाली क्लास नहीं कर सकूंगी। मैं कारण पूछती हूं तो आप बता दिए कि उसी समय भाई की भी ऑनलाइन क्लास है और स्मार्टफोन एक ही है परिवार में, तो भाई का हक पहला है। एक लड़की अपनी सहेली से मैसेज भिजवाती है कि मैम, मेरे पापा के फोन पर बात कराना, वे फोन नहीं दे रहे मेरा, सारा दिन फोन लिए बैठी रहती है। मतलब लड़की ने कहा, लड़की अपनी सहेली से मैसेज भिजवाई कि मैम से मेरे पापा के फोन पर बात कराना, मतलब मेरे पापा को फोन पे बात करा देना कि वो फोन नहीं देते मुझको, कहते हैं कि सारा दिन फोन लिए बैठी रहती है। एक लड़की शुरू में ही कह गई थी मैम, हम खुद पढ़ लेंगे, गांव में नेटवर्क की बहुत समस्या होती है। एक लड़की गांव से आकर अपने भाइयों के घर यहां महानगर में रहती है, पर उसके पास फोन नहीं है, क्योंकि लड़की के पास फोन नहीं होना चाहिए उसके भाइयों के मुताबिक, वह क्लास नहीं कर सकती। एक लड़की फोन करके कहती है मैम, मैं असाइनमेंट मेल नहीं कर सकती, आपको फोन पर पढ़कर सुना दूं, मैं सुन लेती हूं।
एक लड़की एक लड़की एक लड़की, इस एक लड़की को एक मत जानिए, जाने कितनी लड़कियां इस एक में शामिल हैं। ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने के पक्ष में तर्क देने वाले यह नहीं या समझ ही नहीं पाएंगे, या शायद अच्छी तरह समझते होंगे कि कौन ऐसी शिक्षा लेने में सक्षम है। अभी थोड़े दिन पहले हम महंगे शिक्षा के खिलाफ मुफ्त शिक्षा के लिए लड़ रहे थे, अब यह एक नया मोर्चा बन रहा है। मैं चूंकि लड़कियों को पढ़ाती हूं इसलिए उनकी समस्याएं लिख दी, निश्चित ही लड़कों को भी समस्याएं होती होंगी, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई के रास्ते में कितनी कितनी बाधाएं हैं इसका अंदाजा लगाएं। कॉलेज आने के लिए बाहर निकलना, उनके लिए कितने कामों का प्रबंध करके निकलना है यह समझिए। घर लौटकर उसी बचे समय में उन्हें घर की सब जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं और पढ़ाई भी करनी होती है, असाइनमेंट भी बनाना होता है। कितनी लड़कियां दो लेक्चर के बीच गैप में यह काम करती हैं कि घर में समय नहीं मिलेगा, और वैसे भी कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलना सांस लेने जैसा नहीं क्या? अब जब वे घर में हैं तो कितने परिवार उनकी ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर संजीदा और संवेदनशील हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक परिवेश उन्हें किस तरह की पढ़ाई की सहूलियत देते हैं, कितने और भी अनसुने सवाल हैं। तो ये था जो मैम ने मुझे मैसेज करा, उसका कुछ अंश था जो मैंने आपको बताया। वास्तव में बहुत सी इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं ये जो वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, खास तौर से बच्चियों की पढ़ाई में, क्योंकि लोग उन्हें मोबाइल देना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। ठीक है, दोबारा मिलेंगे हम एक नए विचार के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।